अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सिखा रही हूँ हनी विंग्स। ये हनी विंग्स बनाने के लिए 1 kg मैंने विंग्स लिए हैं, और ये मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, और ये जिंजर पाउडर 1 tablespoon, ये 1 tablespoon, ये और ये 2 tablespoon के करीब जो है, या 1 tablespoon के करीब मैंने ये राई पाउडर लिया है। ये तीनों चीज़ें, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और राई पाउडर जो है वो इसमें जाएगा, और फिर मैं ये पॉट में डालूंगी। ठीक है, ये हम इस पॉट में डाल देंगे सारे विंग्स। ये 1 kg के करीब है। इसमें ये राई पाउडर 1 tablespoon, गार्लिक पाउडर 1 tablespoon, जिंजर पाउडर 1 tablespoon, थोड़ा सा ये जाएगा। छोटी प्याली लेके डाल दें, या मतलब ये खुद पानी अभी रिड्यूस करेगा तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये अभी इसी अपने ही पानी में गलता है। बस थोड़ा सा, आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है, तो बस ये डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये सॉस बना रही हूँ जिसमें मैंने ब्राउन शुगर ली है आधी प्याली के करीब, और आधी ही प्याली मैंने केचप ली है, और ये एक छोटी प्याली जो है मैंने बारबेक्यू सॉस लिया है, ये विनेगर लिया है, ये सोया सॉस, मतलब आधी प्याली के करीब ली है ये छोटी, तो 2 tablespoon इसके हो गए, और 4 tablespoon तकरीबन इसके हो गए, और ये जो है एक लाल कुटी हुई मिर्च है, ये 2 tablespoon है। सही है। और ये सीसी में सीड है, लेकिन अभी मैं ये नहीं डालूंगी, आखिर में डालेंगे। और ये सॉल्ट है, और ये गार्लिक है। ठीक है, अभी मैं आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। ये देखें, हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें मैं डाल दूंगी ये ब्राउन शुगर, और ये केचप, एक दो जगह मैंने गार्लिक के काटे फ्रेश, और ये 2 tablespoon सोया सॉस है, और ये 4 tablespoon के करीब जो है वो बारबेक्यू सॉस है, जो मेजरमेंट करके मैंने रखा हुआ था। ठीक है, 4 tablespoon के करीब विनेगर है, और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप देख लीजिएगा कितनी आपको डालनी, जो आपके टेस्ट के मुताबिक जो है ना डालें। मैंने 1 tablespoon के करीब डाली, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने 1 tablespoon डाल दी, और ये जो है सॉल्ट है, और ये सॉल्ट भी मैंने 1 spoon लिया है, 1 tablespoon। आप 1 teaspoon डाल दीजिएगा, जैसे आपको नमक कम ज़्यादा करना है, उसका कोई वो नहीं है। ये सॉस जो है वो ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, और ये हम विंग्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे, टॉस करेंगे विंग्स को। तो अभी मैं ये तैयार करके इसलिए रख रही हूँ कि इतने हमने विंग्स को हमने रखा हुआ है, तो वो ज़रा थोड़े गल जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको फ्राई करेंगे। ये पक रहा है सॉस, और वो भी विंग्स भी वहाँ पक रहे हैं, तो अब हम इसका जो है ना बैटर तैयार करेंगे। ये देखें पानी कितना रिड्यूस किया है इसने, तो ये है कि अभी ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर हम इसको मतलब चलाते रहेंगे इसको बीच बीच में। ताकि चिकन हर तरफ से गल जाए। ये देखें, ये भी सारा मसाला इसके ऊपर लग जाएगा। अच्छा जी, ये अब हम बैटर बना रहे हैं। ठीक है, ये कॉर्नफ्लोर है, और ये जो है मैदा है, ये दूध है, और ये चावल का आटा है, और ये टेम्पुरा जो है ना फ्लावर है। ठीक है,
अब आपने टेबल स्पून से मेजर करके डालेंगे तो ये है मैदा, और इसको हम डालेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, 5 टेबल स्पून। 1, 2 कॉर्नफ्लावर, 3, 4, ठीक है, ये 4 टेबल स्पून हमने डाल दिया। और अब हम चावल का आटा डालेंगे 1 और ये 2, ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। अच्छा, ये अगर आपको मिल जाए टेम्पूरा फ्लावर तो ये इसके भी मैं मतलब 1 स्पून में इसका भी डालूंगी अगर आपको मिल जाए, वरना वो 3 चीजें इनफ हैं। अगर नहीं मिलता है आपको तो ये इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा हमने मिल्क डाला और अब हम इसको दूध डालकर इसका बैटर बनाना है। और अभी एक हम अंडा डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये हम इसके लम्स निकाल देंगे अच्छी तरह, और फिर हम ये इसमें जो है ना एक अंडा ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको भी हम मिक्स कर देंगे और स्पून के करीब हम सॉल्ट डाल देंगे इसमें, और 1 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून हम वाइट पेपर डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम इसमें रेड। अच्छा, ये हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे इसकी थिकनेस को कि कितनी हो रही है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि कितनी है, तो थोड़ा सा रनिंग में होना चाहिए ये, वैसे तो सही है ये। फ्यू ड्रॉप्स और डालूंगी मैं इसके पानी के, वरना तो हमने मिल्क डाल दिया था इसमें। बस ये बिल्कुल सही बन चुका है, बस इसको हम लम्स इसके ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, और ये मिक्स करके हम रख लेंगे बैटर। जैसे ही हमारी चिकन रेडी होगी, गल जाएगी, फौरन हम जो है ना उसको ठंडा करेंगे और फिर इसमें डिप कर करके हम फ्राई करेंगे। हमारा बैटर देखें रेडी है बिल्कुल, ये देखें ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और खुश्क भी हो गया है इसका ना पानी। हम इसमें से जो है ना ये ठंडे जो विंग्स हो गए ना, ये हम किसी चीज़ में निकाल लेंगे ताकि हम इसको फ्राई कर सकें आराम से ना। बड़े विंग्स भी ले सकते हैं आप लोग, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा जी, ये देखें कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, ये इतनी चाहिए। अब ये देखें, ये जो है ना विंग्स डालें आप और इस तरह से कोट करके, और आपने प्याला उठाना है और ये देखें ये डाल, ठीक है, इस तरीके से आपने ये विंग्स उठाने सारे और इसमें डाल देने हैं। ये देखें, ये देखें, सही। आप फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ्राइंग। ये देखिए, ये देखें, अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं और हमने वन, अब ये जब डाला है ना तो इसको एक साइड से आराम से होने दीजिएगा, जब कलर आ जाए, जब आप इसको मतलब पलटेंगी, जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आप इसको पलट दीजिएगा एक साइड से। अच्छा जी, ये देखें, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये बहुत क्रिस्पी माशाल्लाह बने हैं। ये देखें, क्रंची हो गए हैं ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल क्रंची हो गए। अब हम इसको किसी और प्लेट में निकाल लेंगे पहले, फिर हम जिसमें हमें इसको रखना है फिर हम बाद में रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये हॉट होना चाहिए, मतलब गर्म कर लीजिएगा सॉस को दोबारा, अगर बना के आपने रख दिया तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो विंग्स हैं इनको आपने जिस प्लेटर में आपको सर्व करना है तो आप इस तरह रखें विंग्स। अच्छा,
अच्छा जी, देखें ये जो सॉस है ना, इसमें आपने हनी भी डालना है, ठीक है। थोड़ा सा हम जब ये पहले बना के रख दिया था ना मैंने, तो थोड़ा ठंडा हो गया था ये, तो थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून के करीब जो है ना मैंने हनी डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। बस थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर आप इस पर पोर करेंगे यानी कि टॉस करेंगे जो विंग्स हैं, क्योंकि ये ठंडा हो गया था, मैंने पहले बना के रख दिया था। आप भी पहले बना सकते हैं, फिर थोड़ा सा आप गर्म करके और इसमें हनी भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम इस तरह इस पे ये सॉस जो है वो पोर कर देंगे। ये देखें, जिस प्लेटर में भी आप मतलब अच्छा लगे आपको उसमें आप डाल दें। और गार्लिक का ये इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े के ये बनेगा आपका ना। ये देखें, ये सीसी में सीड जो है ये आप डाल दें और बस ये गार्निश हो गया। इसमें यहाँ भी ये सॉस डालूंगी, क्योंकि अगर किसी को और थोड़ा सा चाहिए हो तो फिर आप ये डाल दें, ठीक है। बस ये हमारी डिश रेडी है और मेहमानों को सर्व करें। ये देखें, ये हमारे हनी विंग्स तैयार हैं। आप जिस भी प्लेटर में सर्व करना चाहें करें, ये क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन इन्हें ऑन द स्पॉट ट्राई करिएगा। जब आपको मेहमानों को सर्व करने हैं, आप लोगों को खाने हैं, तो उसी वक्त आप इसको फ्राई करिएगा। पहले आप इसको इसी तरह स्टीम में पकाकर इनको रख लीजिएगा और सॉस अलग तैयार कर लीजिएगा, बैटर अलग तैयार कर लीजिएगा। बस जब आपको फ्राई करके खाना हो तो ऑन द स्पॉट आप बनाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।